हाँ दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में इस समय बाढ़ की दोस्तों इतनी ज़्यादा तबाही है कि लोग दर बदर ठोकरे खाने के लिए तैयार हैं। लोग अपने घर द्वार छोड़ करके रोड पर भटक रहे हैं, बंधे पर भटक रहे हैं और कानून से हर संभव मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और कानून यानी कि कानून और सरकार दोनों लोग पूरी अपनी जी जान लगा करके लोगों की मदद कर रहे हैं लोगों, लेकिन दोस्तों तादाद और संख्या इतनी ज़्यादा है कि सभी लोगों के पास सुरक्षा मुहैया कराने में अभी काफ़ी समय लग रहा है। इसी बीच कुछ लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग सरकार की बुराइयां भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पर, कोसी बैराज, बिहार का कोसी बैराज बांध यानी कि डैम। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि बिहार के कोसी बैराज बांध से हर साल कुछ मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, लेकिन दोस्तों इस साल ऐसा हुआ कि जो 54 सालों का रिकॉर्ड टूट गया कोसी बैराज बांध। दोस्तों 24 अप्रैल 1964 में उसका इनोग्रेशन हुआ था यानी कि उद्घाटन हुआ था। कुल उसमें 56 गेट हैं और 56 गेटों से दोस्तों 900 क्यूसिक पानी छोड़ने की क्षमता रखता है कोसी बैराज बांध। लेकिन आज तक रिकॉर्ड तोड़े कभी 9 लाख क्यूसिक पानी कभी नहीं छोड़ा गया है। लेकिन दोस्तों इस बार 7 क्यूसिक पानी कम से कम छोड़ा जा चुका है, जो बहुत ही भारी तबाही मचा रहा है। सॉरी, बिहार के करीब 16 राज्य और 200 गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 16 लाख आबादी आज बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ पीड़ित है। और दोस्तों बात की जाए बिहार की जितनी भी नदियां हैं, चाहे गंडक नदी हो, चाहे महानंदा नदी हो, चाहे लखीमपुर में आप चले जाइए, यूपी के लखीमपुर में यशोदा नदी हो, राप्ती नदी हो, घाघरा नदी हो, कोसी नदी हो, जितनी भी नदियाँ हैं सारी नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। और अपने आगे आने वाली हर मुश्किल को, हर बाधा को, यानी कि अपने आगे पड़ने वाली हर चीज़ को, चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मकान हो, सबको दोस्तों ताश के पत्तों की तरह बहा करके लेकर के चली जा रही है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे बच्चे हो, कुछ भी दोस्तों, तबाही का ऐसा मंजर है बिहार में कि अगर देख करके दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोगों के बने बनाए घर, बने बनाए आसियाने मिनटों में पलक झपते ही दोस्तों वहाँ पर नष्ट नाबूद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं कि यहाँ पर कभी कोई मकान था, यहाँ पर कोई रहा होगा। दोस्तों एक बार कल्पना करिए वो मकान जिसको हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक मकान बनाता है, ये सोच करके बनाता है, जो मैं मकान बना रहा हूँ ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए हैं। जिस मकान में लोग अपने बेटी बेटियों की शादी करते हैं, बुजुर्गों की अर्थियाँ उठाते हैं, उन जिनके बच्चों का बचपन पलता है, बहुत सी यादें रहती, एक एक ईंट में सपने सजोए रहते हैं। और दोस्तों गंगा माँ और बाढ़ का पानी ऐसा रुद्र रूप लेता है कि एक झटके में सारे सपने जमींदोज हो जाते हैं, नष्ट नाबूद हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता वहाँ पर पहले मकान था कि नहीं था। लोगों की जमीनें दोस्तों नदियां बन गई हैं। जमीन अधिकारियों का कहना है कि हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया था और इंजन फेल होने की वजह से पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करा दी वाटर में। दोस्तों चाहे इमरजेंसी लैंडिंग वाटर में हुई हो, चाहे आग लगने से लैंडिंग हुई हो या इंजन फेल होने से लैंडिंग हुई हो, कुल मिला जुला करके नुकसान हुआ। लेकिन खुशी की बात यह है कि सभी के सभी जवान सकुशल सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों दाद देनी पड़ेगी वहाँ के बिहार के लोगों की, मुजफ्फरनगर के लोगों की, कि जिन्होंने हेलीकॉप्टर को जैसे ही पानी में गिरते देखा अपनी जान पर खेल करके ना आओ देखा ना ताओ देखा ना कुछ आगे सोचा ना पीछे सोचा, अपनी जान पर खेल करके जो जैसे ही पहुंच सका उन लोगों की मदद करने के लिए नाव लेकर के पैदल चल करके तैर करके लोग पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर के पास तक। जब तक कानूनी सुरक्षा व्यवस्था आला अधिकारी वहाँ तक पहुँचते, उनसे पहुँचने से पहले ही वहाँ के आम नागरिक, वहाँ की आम पब्लिक पहुँच करके सभी जो है सेना के जवानों की मदद करती है, उनको हेलीकॉप्टर से बाहर निकालती है, सब कुछ उन लोगों को रिलैक्स फील कराने की कोशिश करती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जा करके सेना के उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। और उच्च अधिकारियों का कहना है कि जितने भी सेना के जवान थे, वायुसेना के जितने भी जवान थे, उन लोगों को बहुत हल्की चोटें आई हैं और वो सब कुछ सुरक्षित हैं। औपचारिकता के लिए उनका इलाज कराया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई भी खतरे की बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आज बिहार के लोग नहीं होते, वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, अगर बिहार के लोग मौके पर नहीं पहुंचते तो भी वहां पे दुर्घटना होने की संभावना थी। लेकिन इन्होंने अपनी जान पर खेल करके उन लोगों की जान बचाई, इसलिए बिहार के वासियों का, मुजफ्फरनगर के खासतौर के वासियों का हम तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। और इसी बीच दोस्तों वहाँ की एक वीडियो आई है, उस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में बिहार के लोगों का दिल कितना बड़ा है और बिहार के लोगों का जिगर कितना बड़ा है। अच्छा
अरे अब बंदर आ गया पता नहीं पहले के मर गए थे अरे कोठी निकालेंगे ना कोई कल्याण के पूरा खबर पूरा आदमी बात करेंगे मौज में गिर दिया जब घूम जाते हैं लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं समझ पा रहे होंगे कि आधा से ज्यादा जो हेलीकॉप्टर का हिस्सा है वो डूब चुका है और पानी में आधा डूब करके या आधा से ज्यादा डूब करके अंदर के सामान को बाहर निकाला जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब दोस्तों बढ़ते हैं दो कदम आगे की ये बात है कि हमारे यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरह से कोसी बैराज का पानी लगातार बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में बाढ़ की भारी तबाही, भारी नुकसान और भारी मंजर देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी यहाँ की जितनी भी नदियाँ, चाहे राप्ती नदी हो गई, चाहे गंगा नदी हो गई, चाहे यशोदा नदी हो गई, जितनी नदियाँ हैं सब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बाढ़ आने के कारण है, अगर आप लोगों ने पढ़ा लिखा होगा तो बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है पेड़ों की कटान, पहाड़ों से पेड़ों की जो कटान होती है और नदियों में जो अवैध खनन होता है, ये मुख्य दो कारण होते हैं बाढ़ आने का। हम प्रकृति से छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ छेड़खानी करेगी और हमारी छेड़खानी को प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है और बहुत ही बड़ा कहर लेकर के आती है और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। पहले गलत हम करते हैं कोई नहीं देखता, उसके बाद जब भगवान या प्रकृति हमारे साथ गलत करती है सारी दुनिया देखती है। प्रकृति से दोस्तों उतना ही लीजिए जितनी की ज़रूरत हो। आप हरे हरे पेड़ काटेंगे, हरे हरे जंगल काटेंगे, पूरे जंगल काट के ख़त्म कर देंगे, अवैध खनन करेंगे, जितनी मात्रा में बालू की ज़रूरत नहीं होगी उससे ज़्यादा मात्रा में आप बालू नदियों से बालू निकालेंगे, तो ये तो दोस्तों एक दिन होना ही था। यही सारी वीडियो थी, यही सारी बातें थी दोस्तों। कैसी लगी हमारी बातें, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी खबरों के लिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।